विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गरमाने लगी है। विरोधियों को घेरने के लिए अब प्रत्याशी और उनकी पार्टियों के नेता संयम खोने में लगे हैं, तो वहीं अपनी ही पार्टी के किरदारों पर भी वार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और उनके खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। इस तल्ख बयानबाजी ने न केवल सियासी पारा चढ़ा दिया है, बल्कि इस चुनाव में लोगों की दिलचस्पी और भी बढ़ा दी है, क्योंकि अब सचिन पायलट समर्थक पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़िया और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के बीच हुई बयानबाजी पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन मोड में दिखाई दिए और दोनों को चेतावनी दे डाली है। कोई कुछ भी बयान दे रहा है उसको एआईसीसी ने, जो केसी वेणुगोपाल जी हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी कर रखी है। हर चीज उनके संज्ञान में रहती है। मैं समझता हूं कि सभी लोगों को मर्यादा में रह करके सभी लोगों को वही काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का किसी को हक नहीं है। मैं समझता हूं कि ये सब चीजें पार्टी आला कमान निश्चित रूप से तोड़। डोटासरा ने कहा कि सभी लोगों को मर्यादा में रहकर काम करना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसके संस्कार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का किसी को अधिकार नहीं है। इन सब चीजों पर पार्टी आला कमान गौर कर रहा है। डोटासरा ने कहा, कोई कुछ भी बयान दे रहा है उसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देख रही है। केसी वेणुगोपाल की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुई, हर चीज केसी वेणुगोपाल के संज्ञान में है। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे पार्टी को नुकसान हो, चाहे वह कोई भी नेता क्यों ना हो। अब चलिए आपको बता देते हैं कि पर्वतसर विधायक रामनिवास गावड़ा ने क्या कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र राठौड़ चापलूसी करके नेता बने, पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। जिन्होंने जूते चप्पल उठाकर सेवा चाकरी की, उन्हें आरटीडीसी अध्यक्ष बनाया। जैसे वीर जी ने कहा, इनके तो दलाली का काम है, तो वो कहीं भी चले जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सरकार में है, कौन मुख्यमंत्री है, इनको तो दलाली करनी है। दोनों जगह, दोनों राज्य में यही काम करते हैं। और आज भी जिस तरह से ये आए, हमें तो कोई सूचना नहीं थी, और जिस तरह के कार्यक्रमों में गए, लोगों ने मेरे पास बात पहुंचाई, तो हमने तो कहा भी पहले भी हमने तो इनको ऐसे ही देखा है, कभी भी किसी भी पार्टी में चले जाते हैं, कहीं भी कोई प्रोग्राम में चले जाते हैं, तो ज़्यादा लंबी थोड़ी बात है नहीं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह का अगर कोई मैसेज ये दे रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनकी अगुवाई कर रहे हैं, तो इस बात को हाईकमान तक हम पहुँचाएंगे कि भाई आज आप लोगों ने जो चप्पल जूते उठा के सेवा चाकरी की, उनको बना तो दिया आप लोगों ने चेयरमैन आरटीडीसी का, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, पार्टी के हित में क्या कर रहे हैं? वो जहां भी जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। तो वहीं सूत्रों के हवाले से आपको बता दे कि रामनिवास गावड़िया के बयान पर धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने बीजेपी से मिलकर कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की थी, पार्टी को इन लोगों ने कितना नुकसान पहुंचाया है ये सबको मालूम है, मैं पार्टी का वफादार हूं और रहूंगा। आपको बता दें कि 25 सितंबर को विधायक दल की पैरेलल बैठक के बाद से अशोक गहलोत खेमे के नेताओं ने सचिन पायलट गुट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर बयानबाजी की थी। 3 नेताओं को नोटिस जारी किए थे। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 27 सितंबर को गाइडलाइन जारी करके पार्टी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी पर रोक लगाने के साथ ही उल्लंघन पर एक्शन की चेतावनी भी दी थी। वेणुगोपाल की इस गाइडलाइन के बाद अब महीने भर बाद फिर से खींचतान वाले बयान शुरू हो चुके हैं, जिसका खामियाजा 2023 में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।